दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ मॉर्निंग से, और अभी बजे हैं मॉर्निंग के 8:30 और मैं निकल चुकी हूँ स्कूल को, बल्कि मैं आधे रास्ते में भी पहुँच गई हूँ। तो यहीं से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो आजकल दिन के स्कूल लग गए, लेकिन स्कूल दूर होने की वजह से मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है, तो मैं करेक्ट 8 बजे घर से निकल जाती हूँ। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज के ब्लॉग में आप बने रहना, मैं आपको दिखाऊंगी अपनी स्कूल की प्रेयर और स्कूल में हम क्या क्या करते हैं। और तो जब भी आप 2-व्हीलर से सफ़र करें तो हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि ये हेलमेट बहुत हमारी सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं, परसों ही बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में कमेडी के पास एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अगर उन लोगों ने हेलमेट पहना होता तो शायद वो बच जाते, क्योंकि सर फटने से उनकी मौत हुई। तो अगर हेलमेट उनके सर पे होता तो बच जाते वो लोग, बस चोटें आती उनको। लेकिन इसलिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है, आप लोग ऑलवेज हेलमेट पहने। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि जहाँ पे पुलिस वाले खड़े होंगे वहाँ पे हेलमेट पहनते हैं, फिर उसके बाद फिर निकाल देते हैं। तो भैया, टशन तो तभी मारोगे ना जब लाइफ रहेगी। तो सबसे मेन, सबसे ये ज़िंदगी जो दी है ये अनमोल है, तो अपनी ज़िंदगी का सबसे पहले ख्याल रखें, बाकी टशन वशन तो फिर मारते रहोगे। तो चलिए करते हैं सफ़र को कंटिन्यू। अभी मैं पहुंच गई स्कूल में और मैंने यहाँ पे कर लिया स्कूटी पार्क, और ये है हमारा स्कूल, आप देख सकते हैं। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं और अभी कुछ गाड़ियाँ आई हुई हैं, तो चलते हैं आप। पहले स्कूल में पहुंच के हम लोग करते हैं सिग्नेचर, और यहाँ पे टाइम भी डालना होता है। तो आज मैं आई हूँ 8:55 पे पहुंची हूँ, तो मैंने टाइम भी मेंशन कर दिया। देखो, आज चल रहा है यहाँ पे पोएम रेजिटेशन, आप देख सकते हैं। अभी ये बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि अभी सारी गाड़ियाँ हमारी आई नहीं है, क्योंकि टाइम अभी है। तो देख सकते हैं आप, मार्च पास स्पोर्ट्स इवेंट आने वाला है, तो उसी की प्रिपरेशन हो रही है बच्चों के, आप देख सकते हैं। अभी बच्चे कर रहे हैं मार्च पास, ये है अग्नि हाउस और ये है अर्जुन हाउस, ये है पृथ्वी हाउस, और ये है आकाश हाउस। अभी हमारे सारे बच्चे नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत से बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने गए हैं गेम्स में, तो इस वजह से बच्चे कम हैं अभी। और आप देख सकते हैं, तो मार्च पास कंप्लीट होने के बाद 1st to 5th पीरियड तक पढ़ाए हुए, देन आफ्टर लंच बच्चों का चल रहा है गेम्स। तो अभी यहाँ पे चल रहा है बॉयज का खो खो, आप देख सकते हैं। देखिए कैसे बच्चे खो खो खेल रहे हैं, अब उनकी प्रैक्टिस चल रही है वैसे। तो दोस्तों, फाइनली अभी मैं पहुँच गई हूँ घर, और आप सोच रहे होंगे कि फाइनली क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पता है आज जब मैं स्कूल से भी वापस आ रही थी तो आधे रास्ते से ऐसी बारिश आई, ऐसी बारिश आई ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब आंधी तूफान बारिश और साथ में इतने बड़े बड़े ओले भी, तो मतलब ऐसा मौसम हो गया था ना जो कि बारिश आने का कहीं से आसार ही नहीं लग रहे थे। मौसम इतना अच्छा हुआ था, एकदम धूप आई थी जब मैं स्कूल से निकली, बट जैसे मैं आधे रास्ते में पहुंची इतनी भयंकर बारिश आई, और बारिश के साथ साथ इतने बड़े बड़े ओले पड़ रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैं स्कूटी में अकेले, और
सुनसान सी सड़क और ऊपर से इंद्रदेव ऐसे बरसात कर रहे थे कि क्या बताऊँ। बरसात के साथ साथ इतने बड़े बड़े जो फेंक रहे थे ना बम कि मैं क्या बताऊँ आपको। फिर जैसे मैं बहुत आगे तक निकल चुकी थी, फिर वहाँ से मैं वापस मार्केट को गई और फिर वहाँ मार्केट में हमारी होटल है, तो फिर वहाँ पे मैं वहाँ स्कूटी रख के फिर मैं वहाँ से गाड़ी में आई और अभी जस्ट ही मैं घर पे पहुँच रही हूँ। और इतना ठंडा मतलब आज हो गया कि फिर मैं, वैसे तो गर्म कपड़े हमारे निकल चुके हैं पहले, पर आज तो मैंने कुछ ज़्यादा कपड़े पहने क्योंकि इतना ठंडा हो गया, इतना ठंडा हो गया ना कि आप क्या बताऊँ। तो ऐसे हमारे गाँव में अभी ऐसे हो रहा है, आए दिन बरसात हो जा रही है कभी भी। ये देखो ताई जी मेरे ठाड़ लगा रही है, देखो लिफ्ट, ताई जी बोल रही है कि मेरे लिए लिफ्ट लगाओ। बल देख सकते हैं आप, इस बारिश के बाद का मौसम कुछ इस तरीके से है, देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर।